हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? तो आई होप यू ऑल आर गुड। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है दोस्तों, वो कल हो गया था और आज डिपार्टमेंट वाइज है और ऑडिटोरियम में भी दोनों है। तो अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं मेजर होशियार सिंह भैया बास्केटबॉल क्राउड जो कोर्ट जो है बी सिक्स हॉस्टल के सामने और बी फाइव हॉस्टल के पास, वहाँ से अब हम खड़े हैं। ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये गार्ड की चेक पोस्ट एंड ये वाली, एंड आफ्टर दैट ये पूरा एरिया है आपको जा रहा है। एंड इसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो बी सिक्स हॉस्टल है एंड ये पूरा दोस्तों रास्ता जाएगा SP 4321 ऑडिटोरियम की तरफ। हाँ, तो अभी हम जाएंगे ऑडिटोरियम की तरफ और वहाँ पे दिखाएंगे आपको ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है। और अभी लगभग सुबह के 8:30 हो रखे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो ये एक स्टूडेंट है। हेलो भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम आपका? दशरथ। ओके, डिपार्टमेंट? केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री। कौन सा, इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी बीएड? कौन सा? फाइव ईयर कोर्स। तो अभी कौन से ईयर में आप? फोर्थ ईयर। अच्छा, तो आप ओरिएंटेशन में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं? मैं लाइब्रेरी जा रहा। अच्छा, लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी 8 बजे, 8:30 हुए अभी, तो इतना जल्दी जा सकते हैं? कितने बजे लाइब्रेरी का ओपनिंग? ओके, 8 से रात को कितने बजे तक? 12 बजे तक। और गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए रात को 10 बजे तक और बॉयज़ के लिए 12 बजे तक। ये टाइमिंग है लाइब्रेरी का। तो कैसा लग रहा है, मतलब ओरिएंटेशन वगैरह हो रहा है नए स्टूडेंट्स का, तो कुछ कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को? ऑल द बेस्ट। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे 10 भाई, ठीक है? तो अभी ओरिएंटेशन स्टूडेंट दोस्तों तो होने वाला है, उसकी तरफ जरा चलें। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा B4, B3, B2, B1, ये गर्ल्स हॉस्टल की है। तो बी का मतलब दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे हैं बी का मतलब क्या, बॉयज़ है? नहीं, बी का मतलब बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, तो इस हिसाब से। और ये रास्ता दोस्तों जो जाता है वो पूरा का पूरा जाता है आपकी लाइब्रेरी, वहाँ से जा सकते हैं या फिर कैंटीन जा सकते हैं, जो SP 4 कैंटीन है दोस्तों। एंड आफ्टर दैट अगर हम चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, SP 4 पीछे गया तो सोशल साइंसेज का स्कूल था स्टूडेंट्स, एंड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो SP 3 बिल्डिंग है वो ये वाली है। एंड अभी आगे चलते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ये कुछ एज ए टेंट जैसा कुछ लगाया है और कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी 12 बजे से स्टार्ट है दोस्तों आज ऑडिटोरियम में। तो मैं बता दूँ, 10 से 12 आपको मेल आया होगा, आपके डिपार्टमेंट में है, 10 से 12 आपको डिपार्टमेंट में जाना है। जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपका है, आपका जहाँ पर एडमिशन हुआ है वहाँ जाना है 10 से 12। और रूम नंबर वगैरह सब उन्होंने बता दिया है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी है। और इधर देख सकते हैं आप दोस्तों, चेयर आपको देखने को दिखा देते हैं, उनको न्यू स्टूडेंट्स के लिए चेयर लेके आ रहे हैं। तो ऑडिटोरियम पूरा फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। कल भी हुआ था और आज भी हुआ था, कल अलग था दोस्तों और आज अलग है, सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 12 बजे से स्टार्ट है दोस्तों ओडी में, ठीक है। एंड अभी ज़रा दिखाएं आपको जो SP 2 बिल्डिंग है दोस्तों, ये है ऑडिटोरियम SP 2 बिल्डिंग। एंड अभी चलें तो अभी हम जल्दी ही पहुँच गए हैं ऑडिटोरियम। तो ये दोस्तों पूरा ऑडिटोरियम है, यहाँ से एंट्रेंस है पूरा का पूरा। और ये देखने को मिल रहा है आपको पूरा अंधेरा है क्योंकि अभी खुला नहीं है, ठीक है। तो 12 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, ओरिएंटेशन पूरा प्रोग्राम। तो बताएं कि और कैसा लगे यूनिवर्सिटी आपको, बिल्कुल कोई डाउट है हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम अभी कैंपस में हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप हमसे मिल सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टा पे, हमको DM कर दें, हमारा जो इनसाइड शिवराज का हैंडल उसी से हम आपसे मिल लेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।